नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज मेरे साथ आदित्य है। तो ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गुड लक इंडिया के बिजनेस मॉडल के बारे में। इसके पहले मैंने एक मेडन फोर्जिंग पे भी डिटेल वीडियो क्रिएट किया था। तो गुड लक इंडिया का जो बिजनेस मॉडल है वो सिमिलर है, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी ने रिसेंटली एक जो फंड रेज है उसका भी अनाउंसमेंट किया था, जिसमें जो मैनेजमेंट खुद है या प्रमोटर्स है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो करंटली फोर्जिंग एज ए इंडस्ट्री में क्या टेलविंड्स है, ये जो कंपनी है उसके क्या क्या सेगमेंट्स है, उनके कौन कौन से क्लाइंट्स है, आगे जाके क्या क्या ट्रिगर्स आ सकते हैं ये सेगमेंट के, मैंने वैल्यू एजुकेटर चैनल पे काफी अलग अलग सेक्टर्स के बारे में डिटेल वीडियो क्रिएट किए हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल है, एग्रोकेमिकल्स है, केमिकल्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स है। मैं ये चैनल पे हर सैटरडे को 11 o'clock को वीडियो पोस्ट करता हूँ, सो डोंट मिस दिस वीडियोस। सो आदित्य, लेट्स स्टार्ट विथ ये जो गुड लक इंडिया का बिजनेस है, उन्होंने ये बिजनेस कैसे शुरुआत किया, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, एंड देन विल गो अहेड विद डिस्कसिंग विद देयर कौन कौन से अलग अलग उनके सेगमेंट्स ये बिजनेसेस में क्या कैपेक्स किया था उन्होंने, एंड आगे जाके फ्यूचर में व्हाट आर द डिफरेंट ट्रिगर्स, बिकॉज कंपनी हैज अनाउंस कि वो आगे जाके एरोस्पेस एंड डिफेंस, ये जो नए सेक्टर्स है या सेगमेंट्स है कंपनी के लिए, उसमें भी एंटर करने वाले हैं। ओके, तो पहले छोटा सा कंपनी और देख लेते। कंपनी की शुरुआत हुई थी 1986 में एज गुड लक स्टील ट्यूब्स। लेटर उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया टू गुड लक इंडिया। तो दे हैव ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स सच एज इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, ऑटो ट्यूब्स, प्रिसीजन ट्यूब्स, पाइप्स, कॉइल्स एंड शीट्स। तो ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं अपन देख लेंगे। एंड द कंपनी सप्लाइज दिस प्रोडक्ट्स टू द प्लेयर्स इन द इंडियन एंड फॉरेन मार्केट्स। तो अब आते हैं उनके बिजनेस पे। तो ये स्लाइड में आप देख सकते हो कि उनके चार बिजनेस सेगमेंट्स है और उस बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स है। तो हर बिजनेस सेगमेंट को हम डिटेल में कवर करेंगे विद द कंपटीशन एंड द प्रोडक्ट्स का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग। तो आते हैं अभी थोड़े प्रोडक्ट्स पे। तो ये जो प्रोडक्ट्स है सारे बिजनेस सेगमेंट्स में दे फाइंड एंड यूज इन इंडस्ट्रीज सच एज ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस, पावर, रेलवेज, डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच गो इन टू दिस इंडस्ट्रीज आर एज यू कैन सी इन दिस टेबल। तो ऑटोमोबाइल्स में CDW ट्यूब्स यूज होते हैं, तो CDW स्टैंड फॉर कोल्ड रॉन वेल्डेड। तो रेलवेज में फॉर्ज प्रोडक्ट्स जाते हैं, पावर में सोलर स्ट्रक्चर सॉल्यूशंस जाते हैं, एंड बाकी डिफेंस और ऑयल एंड गैस के लिए जो प्रोडक्ट्स है वो आप इस टेबल में देख सकते हो। फिर कंपनी जैसा मैंने बोला इंडियन एंड फॉरेन मार्केट्स दोनों में ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो ये चार्ट में आप उनका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट का एक स्प्लिट देख सकते हो। ओवर टाइम आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट्स थोड़ा बहुत उन्होंने फ्लैट ही रखा है, 30-31% पे ही उन्होंने रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि वंस दे प्लान टू एक्सपांड देयर एक्सपोर्ट्स थोड़ा बहुत मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो मार्जिन्स को लेके हम आगे बात करेंगे। राइट, एंड कंपनी हैज ऑल्सो मेंशन इन देयर वेरियस कॉन्कॉल्स की एक्सपोर्ट्स में जनरली जो मार्जिन्स है वो थोड़ा बेटर होते हैं कंपेयर टू देयर डोमेस्टिक बिजनेस। सो रेवेन्यू मिक्स का जैसे चेंज होगा एक्सपोर्ट वर्सेज डोमेस्टिक, तो वहां से वी कैन एक्सपेक्ट सम इम्प्रूवमेंट, स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन द मार्जिन्स। तो सेगमेंट वाइज स्प्लिट आप इस चार्ट में देख सकते हो। तो मोस्टली जो सेगमेंट्स, जो मोस्टली जो रेवेन्यूज आए वो CR कॉइल्स, पाइप्स एंड हॉलो सेक्शंस के बिजनेस से ऑलमोस्ट 40-45% आया हिस्टोरिकली, और ये कंपनी के लिए कमोडिटी सेगमेंट है। Right. और जो बाकी तीन सेगमेंट्स है दैट इज द वैल्यू एडेड सेगमेंट फॉर द कंपनी। तो इसके रिलेटेड भी अपन आगे जाके बात करेंगे कि शिफ्ट कैसे किया है कंपनी ने। करेक्ट, तो कमोडिटी बिजनेस जो है उसमें हार्डली कुछ मार्जिन है, हार्डली 2-3% के मार्जिन उनको मिलते हैं, एंड प्रोबेबली 11-12% के जो मार्जिन है उनको वो जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। हम आगे जाके नंबर्स के साथ भी इसके बारे में जो है वो डिटेल एक डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अब आते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पे। तो बेसिकली कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूपी और गुजरात में, तो यूपी में सिकंदराबाद और दादरी में, और गुजरात में कच्छ में। तो डिवीजन वाइज जो कैपेसिटी है वो आप इस टेबल में देख सकते हो। तो इंजीनियरिंग एंड प्रिसीजन फैब्रिकेशन की 60,000 है, एंड बाकी चीजों की आप देख सकते हो। और जो यूनिट्स है वो कौन सी सब्सिडरीज इन फैसिलिटीज को ऑपरेट कर रही है उसके भी डिटेल्स आप इस टेबल में देख सकते हो। तो कंपनी के लिए द की रॉ मटेरियल्स आर हॉट रोल्ड कॉइल्स, जिसको HR कॉइल्स बोलते हैं, एंड जिंक। तो ये जो HR कॉइल्स है ये मोस्टली लोकली सोर्स की जाती है, एंड जो जिंक है इट इज मोस्टली इम्पोर्टेड बाय द कंपनी। तो ये जो HR कॉइल्स के सप्लायर्स है वो आप इस स्लाइड में देख सकते हो। तो सारे बड़े स्टील प्रोड्यूसर प्लेयर्स है लाइक JSW स्टील,
भूषण स्टील, एसआर एंड टाटा स्टील, तो ये चार मेजर सप्लायर्स है कंपनी के। तो अब एक एक करके सारे बिजनेसेस समझते हैं। तो पहले आते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स एंड प्रिसीजन फैब्रिकेशन बिजनेस पे। तो इस बिजनेस में द कंपनी इज द कैटेगरी वन सप्लायर फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच आर कैरिड आउट बाय कंपनीज इन द इंडियन एंड फॉरेन मार्केट्स। तो क्लाइंट्स की लिस्ट आप इस स्लाइड में देख सकते हो। तो एबीबी ग्रुप है विच इज अ स्वीडिश कंपनी, जीएमआर ग्रुप है, इंडियन रेलवेज है, एलएनटी है, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, रिलायंस है, तोशिबा है, काफी मार्की क्लाइंट्स है। और इन कंपनीज को क्या क्या प्रोडक्ट्स देखते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहले ट्रांसमिशन टावर्स, टेलीकॉम टावर्स, रेलवे ब्रिजेस, रोड ब्रिजेस, फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर्स और सोलर स्ट्रक्चर्स, ये छह मेन प्रोडक्ट्स वो इन क्लाइंट्स को सप्लाई करते हैं। तो ये बिजनेस एक्चुअली काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज पावर ट्रांसमिशन टावर्स एंड दे सप्लाई टू पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एनटीपीसी एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स। द इरेक्शन ऑफ द टावर इज देन डन बाय दीज क्लाइंट्स, मतलब यहाँ पे वो लोग इरेक्शन करके नहीं देंगे। सोलर स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा अलग काम करता है, सोलर स्ट्रक्चर के लिए वो लोग डिजाइन, फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करेंगे, साथ बाय साथ इरेक्शन भी करके देंगे। क्लाइंट का काम यह है कि फिर वो सोलर स्ट्रक्चर पे वो अपना सोलर पैनल लगा के हिल कंप्लीट द वर्क। तो बेसिकली ये बिजनेस इस तरह काम करता है। और इस बिजनेस में कंपनी को 10-15% इबिटडा मार्जिन नॉर्मली होते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑर्डर्स विच दे हैव एग्जीक्यूटेड इन द पास्ट और जो करंट एलएनटी का ऑर्डर उनको जो मिला था। तो कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास्ट में एग्जीक्यूट किए थे, लाइक दे हैड सप्लाइड अ सोलर स्ट्रक्चर फॉर अ 55 मेगावाट प्रोजेक्ट, दे एग्जीक्यूटेड अ 67 करोड़ ऑर्डर सप्लाई फॉर ट्रांसमिशन टावर्स इन उत्तरांचल। तो ऐसे दो तीन ऑर्डर्स उन्होंने एग्जीक्यूट किए। तो अब आते हैं एलएनटी के ऑर्डर पे। तो सितंबर 2021 में कंपनी को एलएनटी की तरफ से एक ऑर्डर मिला था ऑफ अराउंड 200 करोड़ एंड टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ब्रिजेस विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने जापानीज इंजीनियर्स के साथ कोलैबोरेशन किया था और उन्होंने अपने कच्छ के प्लांट के लिए 10 से 12 करोड़ का एक केपेक्स किया था टू सपोर्ट दिस ऑर्डर। द कंपनी हैज कंप्लीटेड दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो चुका है और उनके कच्छ के प्लांट में ये रेडी है। कंपनी ने अब इसका सप्लाई शुरू कर दिया है और अगले 12 से 15 महीने में ये पूरा सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द करंट स्टेटस। तो अब कॉम्पिटिशन पे आते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का मेन कॉम्पिटिशन इज सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड का एक छोटा बैकग्राउंड हूँ, तो दे हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स एंड उनका प्रोडक्ट लाइन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कंपनी। तो कंपनी सलासर की बात करूँ तो दे हैव अ टेक्नोलॉजी कैपेसिटी ऑफ 115,000 टन्स, वाइल गुडलक इंडिया का आप देखोगे तो 60,000 टन्स की कैपेसिटी है। तो ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी है सलासर के पास। उनके भी कुछ ओवरलैपिंग क्लाइंट्स है लाइक एबीबी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एंड इंडियन रेलवेज। तो अब आते सलासर का हिस्टोरिकल ऑर्डर बुक क्या रहा है। तो ये चार्ट में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का ऑर्डर बुक था इन FY21 जो लेके अभी 1500 करोड़ का हो गया है एज ऑफ FY23। वाइज आप गुडलक इंडिया स्टडी करोगे तो उनका इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए ऑर्डर बुक 400-500 करोड़ के ही रेंज में रहा है हिस्टोरिकली एज ऑफ नाउ। तो दैट शोज दैट गुडलक इंडिया स्टिल हैज अ ह्यूज स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो गोइंग फॉरवर्ड। अब आते हैं आउटलुक पे। आउटलुक थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं इस बिजनेस में क्या है। तो जैसा अभी मुंबई अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, वैसे ही देयर विल बी अपकमिंग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स फॉर दिल्ली वाराणसी एंड दिल्ली अहमदाबाद। तो ये दो अपकमिंग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स प्लान किए। फिर चेन्नई मेट्रो के लिए कुछ ऑर्डर्स है जो कंपनी को मिल सकते हैं। तो सिंस कंपनी हैज अ गुड एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस, अपकमिंग जो भी बुलेट ट्रेन और मेट्रो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है उसके रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं। सोलर बिजनेस से पहले एक बात बता दूं, शशांक ने मेंशन किया था कि इसमें ऑर्डर बुक जो है मैंने बताया था 400-500 करोड़ है एंड आगे जाके 2-3 साल में 1,000 करोड़ तक ये ऑर्डर बुक जा सकती है ड्यू टू द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। नाउ लेट्स कम टू द सोलर एनर्जी, जो सोलर पे इनका काम है। तो देयर हैज बीन अ इंक्रीज फोकस ऑन द सोलर एनर्जी रिसेंटली ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली ऑल ओवर रिन्यूएबल एनर्जी पे थोड़ा फोकस है जिसपे सोलर पे थोड़ा ज्यादा फोकस है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉन्ग टर्म टारगेट दिया है ऑफ
सेटिंग अप 500 गीगावाट कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। रिलायंस ने एक टारगेट दिया है टू सेटअप 100 गीगावाट सोलर एनर्जी पार्क्स बाय 2030। तो कंपनी इस सोलर के डिवीजन में दे सप्लाई द सोलर स्ट्रक्चर्स एंड ट्रैकर ट्यूब्स एंड दे हैव अ राइट नाउ ऑर्डर विजिबिलिटी ऑफ 300 मेगावाट्स फॉर द शॉर्ट टर्म। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे कंपनी की विजिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी और इसमें ऑर्डर बुक भी बढ़ता जाएगा। अब आते हैं उनके सेकेंड डिवीजन पे विच इज द फॉर्जिंग बिजनेस। तो फॉर्जिंग बिजनेस में राइट नाउ द कंपनी हैज मोर देन 100 प्रोडक्ट्स एंड दे मेक इट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल सच एज स्टेनलेस स्टील, ड्यूप्लेक्स स्टील, कार्बन एंड अलॉय स्टील। तो ये प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स दे सप्लाई टू द ओईएम्स एंड ओईएम्स फिर उससे अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स जो इस डिवीजन में बनाते हैं दे आर फॉर्ज फ्लैंजेस, गियर रिंग्स, गियर शैंक्स, फॉर्ज शाफ्ट्स, ब्लाइंड एंड ट्यूब शीट्स एंड सॉकेट वेल्डिंग फ्लैंजेस। तो ये बेसिकली 6 प्रोडक्ट्स है जो वो लोग ऑफर करते हैं, मतलब दीज आर देयर मेन प्रोडक्ट्स और बाकी प्रोडक्ट्स भी वो लोग देते हैं। दीज अगेन हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ एंड यूजर्स इन एग्रीकल्चर मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स, रेलवेज, एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो एरोस्पेस एंड डिफेंस रिलेटेड क्या है वो अपन बात करेंगे। तो क्लाइंट्स की बात कर लेते हैं। तो क्लाइंट्स इनके भी रिलायंस एंड L&T, तोशीबा है और बाकी कुछ ऑयल कंपनीज है जो आप इस चार्ट में देख सकते हो। तो ये जो है दीज आर द नॉन एरोस्पेस एंड डिफेंस क्लाइंट्स। तो एरोस्पेस एंड डिफेंस स्पेसिफिक क्या क्लाइंट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देर आर गवर्नमेंट PSUs लाइक हिंदुस्तान HL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड DRDO। फिर कुछ प्राइवेट है लाइक L&T डिफेंस, गोदरेज एरोस्पेस एंड इन सबके जो मिसाइल प्रोग्राम्स है या जो डिफेंस प्रोग्राम्स है इन सारे प्रोग्राम्स के लिए कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो राइट नाउ ओनली 2% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यूज ओवरऑल सिर्फ फॉर्जिंग का नहीं, टोटल 2% ऑफ द रेवेन्यूज इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द डिफेंस सेक्टर। एंड आगे जाके कंपनी का प्लान ये रहेगा कि इसको एटलीस्ट डबल डिजिट तक लेके जाए। राइट, वी डिस्कस गोइंग अहेड कि उन्होंने जो कैपिटल रेस किया था ऑलमोस्ट 96 करोड़ का, तो उसमें से भी जो 40 करोड़ है दैट दे हैव प्लान टू एक्वायर वन ऑफ द कंपनी। तो फॉर्जिंग बिजनेस के बारे में कुछ और डिटेल्स दूं तो कंपनी ने मैक्सिमम 22 टन्स का एक प्रोडक्ट फॉर्ज किया फॉर देयर क्लाइंट्स इन द पास्ट। राइट, एंड दे राइट नाउ हैव अ कैपेसिटी टू फॉर्ज ऑलमोस्ट 25 टन्स फॉर देयर क्लाइंट्स, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली फॉर्जिंग्स में कैपेसिटी एडिशन किया था। 12,000 टन से 30,000 टन तक कैपेसिटी बढ़ाई थी और जिस जो यूनिट फरवरी 2022 में कमीशन हो चुकी है इसके लिए 40 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने। तो फॉर्जिंग्स में बेसिकली द हैवियर द फॉर्जिंग्स द हायर द रियलाइजेशन। तो अभी 22 से 25 टन तक फॉर्ज कर पा रहे तो उस हिसाब से थोड़ा रियलाइजेशन बढ़ेगा कंपनी के लिए। ये बिजनेस में कंपनी के पास 14-15% इबिट्टा मार्जिन्स होते हैं। तो अभी ये बिजनेस में भी कंपटीशन तो है ही, तो कंपटीशन क्या है वो देख लेते पहले। तो कंपटीशन ये बिजनेस में भारत फॉर्जिंग है, MM फॉर्जिंग्स है एंड रामकृष्णा फॉर्जिंग्स है। तो यहाँ पे विल कंपेयर इट विथ रामकृष्णा फॉर्जिंग्स। तो रामकृष्णा फॉर्जिंग्स अगेन इट इज इन टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई फोर्ज प्रोडक्ट्स जो ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, एनर्जीज, ये तीन मेन सेक्टर्स में जाते हैं। तो कंपनी की फॉर्जिंग कैपेसिटी 187,100 टन है वाइज इनकी ऑलमोस्ट 30,000 टन है, तो ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा है रामकृष्णा फॉर्जिंग्स की। तो रामकृष्णा फॉर्जिंग्स का अभी करंट कैपेसिटी प्लान चल रहा है, तो क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो दे आर राइट नाउ प्लानिंग टू एड कैपेसिटीज इन वॉर्म फॉर्जिंग, सम न्यू टेक्नोलॉजीज एंड कोल्ड फॉर्जिंग। तो ये जो वॉर्म फॉर्जिंग्स ऑन न्यू टेक्नोलॉजी के लिए केपेक्स डाल रहे तो रिस्पेक्टिवली 18,200 एंड 38,100 डाल रहे, तो ऑलमोस्ट 56,300 का प्लान है, जिसमें से एज ऑफ जुलाई 2023 23,800 कमीशन हो चुका है, जो रिमेनिंग है वो सेप्टेम्बर 2023 में कमीशन हो जाएगा। ओवर एंड अबव दिस दे आर प्लानिंग टू एड कैपेसिटीज फॉर कोल्ड फॉर्जिंग, जिसके लिए उन्होंने 125 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है और 25,000 टन का कोल्ड फॉर्जिंग्स का कैपेसिटी वो लोग डालने वाले हैं। ये कैपेसिटी के लिए ऑर्डर्स ऑलरेडी बुकड है, 100% बुकड है। एक की क्लाइंट ने पूरा 100% कैपेसिटी बुक किया है और 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इस कंपनी के साथ। तो दिस इज देयर करंट कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान। उन्होंने कुछ JVs और एक्विजिशंस भी अनाउंस किए,
तो जेबीज क्या किए वो एक बार देख लेते हैं। तो दे हैव रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ जेबी विद तीतागढ़ रेल सिस्टम्स टू सेटअप अ प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 लाख फोर्ज्ड व्हील्स। तो ये प्लांट जो है वो FY26 में ऑनलाइन आएगा और रामकृष्ण फॉर्जिंग्स का ये जेबी में 51% स्टेक है, तो काफी अच्छा स्टेक है। फिर ऑटो सेक्टर में कुछ एक्विजिशंस अनाउंस किया, लाइक ACIL लिमिटेड, JMT ऑटो, एंड दे हैव एंटर्ड इनटू अ जेबी विद सुयो मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड विद अ 51% स्टेक। तो ये सुयो जो है वो बेसिकली ईवी रिलेटेड पार्ट्स में ज्यादा काम करता है, और ये लोग जो है वो ACIL एंड JMT वो लोग 2-व्हीलर 3-व्हीलर नॉन ईवी सेगमेंट में ज्यादा काम करते हैं, तो दोनों तरफ काम कर रहा है रामकृष्ण। तो आप एक कंपेरेटिव आइडिया यहाँ से ले सकते हो कि रामकृष्ण फॉर्जिंग्स विल बी फोकसिंग मोर ऑन द ऑटो एंड रेलवे सेक्टर, वाइल्स गुडलक इंडिया विल बी फोकसिंग मोर ऑन द एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर फॉर देयर फॉर्जिंग डिवीजन। तो अब आते हैं उनके आउटलुक पे। तो ये फॉर्जिंग बिजनेस में राइट नाउ मेजर डिमांड कंपनी को ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ये लोग जो फॉर्जिंग कंपोनेंट्स सप्लाई करते हैं वो सबसी कंपोनेंट्स रहते हैं, मतलब जो सी के अंदर है वो यूज होते हैं। तो सिंस दीज कंपोनेंट्स आर कंटिन्यूअसली एक्सपोज टू द सॉल्ट वाटर, वो लोग इनका इरोजन होते रहता है, तो एक रिप्लेसमेंट डिमांड मिल जाता है कंपनी को यहाँ पे। तो ये डिमांड जो है दिस विल बी मोस्टली बेस्ड आउट ऑफ गल्फ नेशंस। कंपनी के पास कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग है फ्रॉम कंपनी सच एज शेल PLC, टोटल एनर्जीज, एक्सॉन मोबिल, इनसे अप्रूवल पेंडिंग है, एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू ऑनबोर्ड सऊदी अरामको एज वन ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो सऊदी अरामको इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल कंपनीज इन द वर्ल्ड, तो ये काफ़ी एक अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है कंपनी के लिए इफ सऊदी अरामको कम्स ऑन बोर्ड। अब आते हैं उनके डिफेंस रिलेटेड डिटेल्स। तो इंडिया ऑलमोस्ट डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करती है, तो ऑलमोस्ट $100 billion वर्थ ऑफ डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्ट, तो काफ़ी एक मेजर एक्सपेंडिचर इंडिया करती है फॉर द डिफेंस। तो राइट नाउ गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एंड ऑल्सो ड्यू टू द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एंड रिसेंटली जो इसराइल और गाजा का जो चल रहा है वो, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा एनकरेज कर रही है इंडियन कंपनीज को टू इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर दिस डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एज मेंशनड अर्लियर, द कंपनी सप्लाइज देयर फॉर्जिंग प्रोडक्ट्स टू सम ऑफ द प्रेस्टिजियस डिफेंस प्रोग्राम्स ऑफ देयर क्लाइंट्स, एंड एज ऑफ नाउ 2% ही आ रहा है इस डिफेंस सेक्टर से, जो आगे जाके कंपनी बढ़ाने का प्लान कर रही है जैसे जैसे उनका ऑर्डर बुक बढ़ेगा। तो फॉर्जिंग डिवीजन के लिए स्पेसिफिक उन्होंने टॉप लाइन गाइडेंस दिया है फॉर 650 crores इन FY24, 800 करोड़ इन FY25 एंड 1000 करोड़ इन FY26, एंड करंटली 430 करोड़ के ही रेवेन्यूज है इन FY23। सो बेसिकली दे आर प्लानिंग टू डबल द रेवेन्यूज गोइंग अहेड इन अबाउट नेक्स्ट 3-4 years। सो अबाउट 20-25% का ग्रोथ जो है वी कैन एक्सपेक्ट गोइंग अहेड सिक्वेंशियली CAGR फ्रॉम द वर्किंग सेगमेंट। यस, और जो न्यू कैपेसिटीज जो मैंने मेंशन किया कंपनी लेके आई है, तो ये न्यू कैपेसिटीज हैव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 35-40%। तो कंपनी का अब ग्रॉस मार्जिन का एक ट्रेंड शॉर्ट में बता दूं तो 20-30% का ही रहा है हिस्टोरिकली। तो 35-40% ये नई कैपेसिटीज से आएंगे तो एक ग्रॉस मार्जिन का थोड़ा एक्सपेंशन पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये स्टील सेक्टर में वन ऑफ द मेट्रिक्स विच इज टैग्ड इज EBITDA पर टन। तो EBITDA पर टन की बात करूँ तो कंपनी का फॉर्जिंग डिवीजन में करंटली EBITDA पर टन इज 27,000 rupees, और वो उनका प्लान है कि टू टेक दिस EBITDA पर टन टू 35,000 rupees इन द नेक्स्ट 2 years एज द प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट टुवर्ड्स द हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो अब आते हैं उनके प्रिसीजन पाइप्स एंड ऑटो ट्यूब्स पे। तो इस बिजनेस में वो जो प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं दे आर CDW ट्यूब्स, CDW एज आई मेंशन्ड इट इज कोल्ड ड्रॉन वेल्डेड, ERW ट्यूब्स, ERW स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड, इंजीनियरिंग ट्यूब्स एंड बॉयलर ट्यूब्स। तो ये मेन 4 प्रोडक्ट्स वो लोग ऑफर करते हैं। दीज प्रोडक्ट्स हैव अ ह्यूज डिमांड ऑल ओवर इंडिया, एंड यहाँ पे क्वालिटी बहुत मैटर करती है, एंड सिंस कंपनी हैज सप्लाइड प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी इन दिस डिविजन, देयर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद देम और वो लोग उनको रिपीट ऑर्डर्स देते रहते हैं। द कंपनी इज अमंग द फ्यू प्लेयर्स इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर CDW ट्यूब्स। तो कंपनी के अलावा एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स है और एक पेन्नार इंडस्ट्रीज है जो इसमें काम करती है। राइट,
ओके, तो दिस प्रोडक्ट्स फॉर्म अराउंड 60% ऑफ द एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो ओवरऑल एक्सपोर्ट करती है कंपनी उसमें से 60% सिर्फ इसी डिवीजन से आता है, एंड एज ऑफ FY23 जो 30% कंपनी को एक्सपोर्ट से आए थे तो मेजोरिटी यही प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके आए थे। तो आप देख सकते हो कि ये डिवीजन कंपनी के एक्सपोर्ट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। राइट, एंड आई थिंक मैनेजमेंट आल्सो हैव मेंशन इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस कि उनके एक्सपोर्ट्स के मार्जिन ज़्यादा क्यों है बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये थोड़े ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जिसमें नेचुरली जो मार्जिन है विच आर बेटर कम्पेयर टू देयर अदर डिविजन्स या अदर कमोडिटी प्रोडक्ट्स। तो हर डिवीजन के लिए एंड यूज इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट कॉमन है, तो इस डिवीजन के लिए मैं एंड यूज इंडस्ट्रीज नहीं बताऊंगा, क्लाइंट्स क्या है वो बता देता हूँ। तो क्लाइंट्स लिस्ट आप देख सकते हो, BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज बेंज है, टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, TVS है, काफ़ी मार्की क्लाइंट्स है, और ये आप देखोगे तो सारे ऑटो सेक्टर रिलेटेड क्लाइंट्स है। तो ऑटो सेक्टर में वो लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स देते हैं वो आप इस स्लाइड में देख सकते हो। तो फोर व्हीलर में बेसिकली जो फोर व्हीलर में उनके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, टू व्हीलर में कहाँ कहाँ उनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो आप इस इमेज में देख के समझ सकते हो। तो राइट नाउ इस बिजनेस में ऐसा होता है कि ऑर्डर्स उनको महीने टू महीने क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं मिलते, उनके कस्टमर्स उनको एक ऑर्डर विजिबिलिटी देते हैं ऑफ 6 मंथ्स, एंड उसके हिसाब से फिर कंपनी एग्जीक्यूट करती है। सिमिलरली इज फॉर द फॉर्जिंग बिजनेस, जो मैंने बताया नहीं कि एक 6 मंथ्स का ऑर्डर विजिबिलिटी रहता है जो कंपनी उस हिसाब से एग्जीक्यूट करती है। इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में भी मैंने नहीं बताया बट एक 7 to 9 months का एक ऑर्डर विजिबिलिटी रहता है, मतलब 7 to 9 months में इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आउटलुक की बात करूँ तो दे प्लान टू इंक्रीज द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस बिजनेस टू 30% फ्रॉम द 24% इन FY23 विच विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग दर मार्जिन फर्दर। द कंपनी प्लान्स टू मैन्युफैक्चर इन सप्लाई ऑटो ट्यूब्स ऑफ हायर डायमीटर एंड थिकनेस विच विल हैव हायर मार्जिन देन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। इसके रिलेटेड जो केपेक्स करने वाले वो उसको जाके हम आगे जाके समझेंगे अच्छे से। एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स द वॉल्यूम्स इन दिस बिजनेस टू ग्रो एट अ 15% कैगर ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो एक तरह से उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा एंड थोड़ा मार्जिन बढ़ने में हेल्प हो जाएगा। राइट, अब फाइनली आते हैं उनके सीआर कॉइल्स एंड पाइप्स बिजनेस पे जो थोड़ा कमोडिटी बिजनेस है। तो इस बिजनेस में वो लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स देते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सीआर कॉइल्स एंड पाइप्स है, कॉरूगेटेड शीट्स है, हॉलो सेक्शन है, एंड GI पाइप्स है। तो GI पाइप स्टैंड्स फॉर गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स। अगेन गैल्वनाइजेशन क्या होता है एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि बेसिकली कोई स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें एक जिंक की कोटिंग की जाती है। तो ये बेसिकली जिंक कोटिंग जो है वो स्टील को कोरोजन से बचाती है, रस्टिंग से बचाती है, स्क्रैच से बचाती है। दैट इज द पर्पज ऑफ गैल्वनाइजेशन। तो गैल्वनाइजेशन को रिलेटेड उनके कुछ प्रोडक्ट्स है जो रोड सेफ्टी में जाते हैं। तो उनके जो गैल्वनाइज शीट्स है वो रोड सेफ्टी में जाती है। तो आपने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में देखा होगा कि साइड पे एक बैरियर्स लगे रहते हैं, तो दोज आर कॉल्ड गार्ड रेस, और उसमें ये गैल्वनाइज शीट्स यूज होती है। तो इनका पर्पस बेसिकली ये है कि सपोज एक्सीडेंट होता है तो ये गार्ड रेस व्हीकल को रोक लेते हैं, ओवरटर्न होने नहीं देते, उसको रोक लेते हैं। बेसिकली एक्सीडेंट और इंजुरी का रिस्क रोक रहे, खत्म नहीं कर रहे बेसिकली। तो इस बिजनेस में कंपनी हैज अ एबिटडा मार्जिन ऑफ 2 to 3%, तो काफी कम है। राइट, एंड ओवरऑल यदि आप देखो तो कंपनी के मार्जिन जो करंटली लगभग 7-8% के आसपास है, द मेजॉरिटी ऑफ द रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस GI पाइप्स, या ये जो डिवीजन है जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो कंप्लीट कमोडिटी प्रोडक्ट्स है। उनकी ऑर्डर विजिबिलिटी भी यदि आप देखोगे तो कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर विजिबिलिटी नहीं रहती है, हार्डली मंथ टू मंथ ही उनके जो कस्टमर्स हैं उनको ये ऑर्डर्स देते हैं। एंड प्रॉब्ली उनका जो टोटल रेवेन्यू में मिक्स देखोगे आप ये डिवीजन का, इट इज़ अबाउट 40-45%, एंड लगभग 65% कंपनी क्लेम्स जो प्रोडक्ट्स है वो वैल्यू एडेड से आते हैं। इसीलिए कंपनी के जो वैल्यू एडेड में मार्जिन 12-13% के है, विच हैज़ केम डाउन टू 7%, बिकॉज 40-45% का जो रेवेन्यू है वो कंप्लीट कमोडिटी प्रोडक्ट से आ रहा है जिसमें सिर्फ 2-3% मार्जिन है। एंड ये जो प्रोडक्ट्स है उसमें देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द स्टील प्राइजेस ऑल्सो, सो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस कंपनी को आ सकते हैं व्हेन द स्टील प्राइजेस गोज अप एंड डाउन वेरी वोलेटाइल।
तो दिस इज द चैलेंज आई थिंक विच इज रिलेटेड टू दिस सेगमेंट. कंपनी आगे जाके सपोज इसका जो डिपेंडेंसी है वो मिनिमल करती है, प्रॉब्ली लेस देन 10 या लेस देन 5% इन नेक्स्ट प्रॉब्ली 5-6 ईयर्स, देन कंपनी के जो मार्जिन है वो यहाँ से प्रॉब्ली गोइंग फॉरवर्ड 10-12% के हो सकते हैं. टीआर पाइप्स का जो बिजनेस है करेंटली लो मार्जिन बिजनेस है, उसमें भी जो जीआई पाइप्स है इसमें हाई मार्जिन है, हाई कॉम्पिटिशन एंड लो मार्जिन है. तो अभी इसमें वो लोग प्लान कर रहे हैं कि जो जीआई पाइप्स की करंट मैन्युफैक्चरिंग लाइंस है, दे प्लान टू कन्वर्ट सम ऑफ दीज लाइंस इनटू मैन्युफैक्चरिंग फॉर ट्रैकर ट्यूब्स विच आर हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स. ये ट्रैकर ट्यूब्स बेसिकली क्या होते हैं कि सोलर स्ट्रक्चर में एक बार जो सोलर पैनल लग गया है इट हैज टू एडजस्ट इट्स पोजिशन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सन रेज, अदरवाइज उतनी सोलर एनर्जी लॉस होगी और कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. तो ये ट्रैकर ट्यूब बेसिकली एक डिवाइस है जो सोलर पैनल्स को अपनी पोजीशन एडजस्ट करने में हेल्प करता है एज पर द पोजीशन ऑफ द सन रेज. सो दैट रिजल्ट्स इन हायर एनर्जी कन्वर्जन, हायर एफिशिएंसी एंड मिनिमम लॉस. करंटली सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी कुछ 20-22% ही है, आगे जाके कितने तक जा सकती है दैट नीड्स टू बी सीन. तो कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अ यूरोपियन प्लेयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रैकर ट्यूब्स. तो ये यूरोपियन कंपनी का नाम कंपनी ने नहीं दिया है. And company right now has a tracker tube capacity of 18,000 tons. The company is expected to get strong traction for the tracker tubes over the next few years due to the focus of the government and the all over for on the solar energy. मतलब मैंने previously जो बताया था कि government of India का क्या target है, Reliance क्या कर रही है, तो उसकी वजह से company को ये tracker tubes के लिए एक अच्छा order मिल सकता है. There are the huge developments which are right now going through the solar division. So, jiske wajah se the companies like Good Luck India also might get the benefits because of jo ek huge capex aane wala hai ya chal raha hai in solar division. So, it will be interesting again a division going ahead. Wo kitna scale up kar sakta hai ya kitna execute kar sakta hai in solar basically segment. तो इबिडा पर टन का गाइडेंस यहाँ पे भी दिया है मैनेजमेंट ने. करंट इबिडा पर टन इज 2,500 से 3,000 रुपया एंड दे प्लान टू टेक इट टू 5,000 रुपीज गोइंग फॉरवर्ड एंड दिस विल बी मोस्टली ड्रिवन बाय देयर फोकस ऑन ट्रैकर ट्यूब्स. तो अब आते हैं थोड़ा एंट्री बैरियर समझ लेते इस बिजनेस में. तो मेडन फॉर्जिंग्स का अगर आपने वीडियो देखा हो तो वहाँ पे कोई एंट्री बैरियर्स मेंशन नहीं थे, यहाँ पे तो एंट्री बैरियर्स है. तो बिजनेस में मोटा मोटी दो एंट्री बैरियर्स है. द फर्स्ट एंट्री बैरियर इज स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड लेंथी अप्रूवल्स. तो ये जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, ये जो प्रोडक्ट्स के एंड यूजर्स है, दे आर मोस्टली क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स. इसके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स स्ट्रिंजेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा भी ये प्रोडक्ट में क्वालिटी डिफेक्ट हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एंड सेकेंड इज लेंथी अप्रूवल्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेस थोड़ा सा आप देखोगे तो गवर्नमेंट फोकस भी है एंड गवर्नमेंट से अप्रूवल आने में थोड़ा टाइम लगता है. फॉर दीज प्रोडक्ट्स आप डिफेंस रिलेटेड ले लो, रेलवे रिलेटेड ले लो, थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 साल मिनिमम लगता है, उससे थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है. तो बेसिकली ये दो एंट्री बैरियर्स है इस बिजनेस में. एंड अब आते हैं उन्होंने जो शिफ्ट किया है टुवर्ड्स द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी जो सीआर कॉइल्स एंड पाइप्स का बिजनेस है सिर्फ वही थोड़ा कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है. बाकी तीनों बिजनेस के अंदर जो कोई भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है. These value-added products have a higher EBITDA per ton than the commodity products. मतलब एक comparison लूँ तो value-added products में 10,000 रुपया होता है EBITDA per ton और ये commodity products के लिए 7,000 रुपया होता है. And तो right now company ने almost पिछले 5-7 साल में जो कोई भी expansions किए वो सारे value-added products की तरफ किए. तो जो expansions किए वो इस table में summarize किए गए. तो उनके जो डिविजन्स है लाइक ऑटो ट्यूब्स, फॉर्जिंग, इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर, जो सारे वैल्यू एडेड डिविजन में आते हैं, उसी के रिलेटेड सारे कैपेक्स किए जो आप इस टेबल में देख सकते हो. तो एज अ रिजल्ट उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा है ओवर टाइम. तो आप इस चार्ट में देख सकते हो कि 30% से 53% तक बढ़ा है ओवर टाइम. एंड कंपनी का प्लान यहाँ पे ये है कि आगे जाके 75% तक लेके जाना चाहते हैं. दैट्स देयर ब्रॉड विजन, वो अपने हर कॉन कॉल में और हर स्टेटमेंट में वो लोग ये कहते हैं. तो अब आते हैं उनके फंड रेज पे जो उन्होंने रिसेंटली कंक्लूड किया है. फंड रेज में उन्होंने रिसेंटली 96 करोड़ उठाए थे ऑन अ प्रेफरेंशियल इश्यू. एंड कंपनी का प्लान इसको यूज करने का
ये है कि पहला 40 करोड़ दे प्लान फॉर एक्विजिशन इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस, और इसके लिए उन्होंने एक सब्सिडरी भी इनकॉर्पोरेट की है। तो मोस्टली ये जो एक्विजिशन करेंगे दिस विल बी वाया द सब्सिडरी, एंड जो रिमेनिंग है तो दैट विल बी यूज टू फंड द ऑनगोइंग कैपेक्स ऑफ द कंपनी, जो 170 करोड़ का कैपेक्स चल रहा है जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो 40 बचा तो 50 पूरा 56 करोड़ इसमें नहीं जाएगा, थोड़ा ही जाएगा, एंड द रिमेनिंग मे बी यूज फॉर डेट रिपेमेंट, मे बी यूज फॉर सम अदर पर्पसेस, बट दैट इज नॉट क्लियर। तो अब आते हैं उनके कैपेक्स प्लान पे। तो राइट नाउ द कंपनी इज अंडरगोइंग अ कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ 170 करोड़, एंड दिस इज टुवर्ड्स प्रिसीजन पाइप्स एंड ऑटो ट्यूब्स, अगेन द वैल्यू एडेड सेगमेंट है। यहाँ पे कंपनी का प्लान है टू सेटअप अ कैपेसिटी ऑफ 60,000 टन्स टुवर्ड्स ऑटो ट्यूब्स ऑफ हायर डायमीटर एंड थिकनेस। तो एक एग्जाम्पल दू तो हाइड्रोलिक ट्यूब्स इसमें आ सकता है। तो ये हाइड्रोलिक ट्यूब्स की बात करूँ तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें ये हाइड्रोलिक ट्यूब्स जाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। तो दिस ट्यूब्स एज आई मेंशन हायर डायमीटर एंड हायर थिकनेस है, तो दे हैव हायर मार्जिन वर्सेज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी द कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी फंडेड बाय इंटरनल अक्रूवल्स, थोड़ा प्रोमोटर इन्फ्यूज फंड से, और थोड़ा ये प्रेफरेंशियल फंडरेज प्रोसीड से कैपेसिटी फंड की जाएगी, और ये जो कैपेसिटी है वो Q1 FY 2025 में ऑनलाइन आएगी। तो राइट नाउ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे सारा फोकस चल रहा है, एंड दिस कैपेक्स प्लान शोज द मैनेजमेंट्स कैपिटल एलोकेशन फ्रेमवर्क राइट नाउ। तो अभी उनका थोड़ा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो आप ये चार्ट में उनके रेवेन्यूज और मार्जिन का ट्रेंड देख सकते हो। तो इबिटा मार्जिन आप देखोगे तो स्पेशली 7-8% के ही रेंज में रहे हैं हिस्टोरिकली। तो इसका रीजन ये है कि जो सीआर कॉइल्स एंड पाइप्स का बिजनेस है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 40-45%, और उसमें जो ऑर्डर विजिबिलिटी है वो एक महीने की रहती है। ड्यू टू द शॉर्ट टर्म ऑर्डर्स वो लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइसेस पास ऑन नहीं कर पाते, राइट। ये बिजनेस की वजह से बाकी जो हाई मार्जिन बिजनेसेस है उनका प्रॉफिटेबिलिटी पे ओवरऑल लेवल पे इफेक्ट करता है, मतलब कंसोलिडेटेड इबिटा इज ड्रैग डाउन बाय दिस बिजनेस। करेक्ट, बिकॉज वो एवरेज जो है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ जो रेवेन्यूज है वो 40-45% है इन दिस सेगमेंट कम्पेयर टू ओवरऑल रेवेन्यूज, इसीलिए ओवरऑल एबिटा यदि आप देखोगे तो वो 7-8% ही रह जाता है इवन इफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में थोड़ा बेटर मार्जिन से। ओके, तो कंपनी का फ्यूचर आउटलुक, फर्स्ट पॉइंट इज they have always mentioned they plan to take the value added products contribution to 75%, to agle 2-3 saal mein leke jane ka plan hai. They expect a strong order for their solar structures and tracker tubes going forward. The company overall matlab charo businesses mila ke EBITDA per ton unka 6400 hai as of FY23. They plan to take it to 8000 rupees by in FY24. To FY24 ke liye guidance hai. So they have technical and marketing, they have entered into a technical and marketing collaboration with a European player for the manufacturing of metal crash beams. So metal crash beams will be used in the road safety. So engineering structures mein ye thoda ek related diversification ho gaya for the company. So guardrails ki maine baat ki thi, to even they are used for road safety and again ek metal crash beams aa gaya. So company ne overall top line ka guidance diya hai for FY24 3500 crores, 4200 crores for FY25 and 5000 crores for FY26. Right. And they expect the margins to improve due to their upcoming capex plans and their foray into the defense and aerospace segment. So, ye margin improvement yahan pe kaafi zaruri hai agar thoda re-rating hone ke liye aur thode valuations aane ke liye. Correct. So, finally aate hai company ke risk pe, to no businesses without risk as I mentioned in all of my videos. तो कंपनी के लिए तीन मेजर रिस्क आर द फ्लक्चुएशन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो ये जो रॉ मटेरियल्स मैंने आपको बोला था एचआर कॉइल्स एंड जिंक है, तो यहाँ पे प्राइस पास ऑन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर द कंपनी इफ इट इज बियॉन्ड व्हाट इज अग्रीड बिटवीन द कस्टमर्स एंड देम। तो थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है शॉर्ट टर्म में इस बिजनेस में, बिकॉज वो दिख भी रहा था जब आप लास्ट कुछ 8-10 क्वार्टर्स के रिजल्ट देखोगे, मैनेजमेंट केप्ट ऑन मेंशनिंग दैट कि इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू पास ऑन द चेंज इन रॉ मटेरियल, एंड दैट्स व्हाई उनके जो मार्जिन से वो यहाँ से इंक्रीज नहीं हो पा रहे। तो दूसरा रिस्क इज फॉरेक्स का रिस्क। तो सिंस कंपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है तो इट इज सब्जेक्ट टू द फ्लक्चुएशन इन द करेंसी रेट्स इन द मार्केट विच इट ऑपरेट्स।
एंड तीसरा आता है रेगुलेटरी रिस्क। तो ये जो कंपनी का बिजनेस है थोड़ा गवर्नमेंट फेसिंग बिजनेस है, तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस ये कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर कुछ एडवर्स रेगुलेशन आ जाए तो। राइट, तो यहाँ पे अनदर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड आदित्य कि वन शुड ऑलवेज फोकस ऑन द कंपनीज विच आर वेरी क्लोज टू देयर कस्टमर्स, यानी इट शुड बी द प्रोडक्ट जहाँ पे फाइनल वैल्यू एडिशन जो है वो मैन्युफैक्चरर से होता है एंड डायरेक्टली वो जो प्रोडक्ट है वो एंड इंडस्ट्री में जाता है, जो कस्टमर है वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। तो तभी कस्टमर आपको मार्जिन देगा। इफ द वैल्यू चेन इज वेरी लॉन्ग, यानी कोई एक बना रहा है फिर जो सेकेंड प्लेयर है उसमें कुछ वो वैल्यू एडिशन कर रहा है एंड देन फाइनली इट इज गेटिंग सोल्ड टू फाइनल OEM एंड OEM भी उसको कुछ वैल्यू एडिशन करके दे आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट, देन OEM जनरली या फाइनल कस्टमर जो रहता है वो आपको जनरली मार्जिन नहीं देता है। एंड दैट व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इन टू जनरली द फोर्जिंग या ये टाइप की जो कंपनीज है, आप मेडन फोर्जिंग देख लो कि उनके जो मार्जिन से वो भी लगभग 7-8% के रेंज में होते थे। लास्ट ईयर में मार्जिन थोड़े इंक्रीज हुए है, आई अगेन हैव माई डाउट फॉर दैट 12% मार्जिन। या इसके अलावा यदि आप भारत फोर्ज भी देख लो या ये कंपनी भी देख लो गुड लक इंडिया, तो मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा कभी नहीं रहे हिस्टोरिकली भी। एंड इसीलिए ट्राई टू फाइंड आउट दोज कंपनीज जो वैल्यू एडेड एक्चुअली प्रोडक्ट्स बनाती है, इसका चेक करने का वन ऑफ द वे इज कि वो प्रोडक्ट्स क्या बना रही है एंड सेकेंड थिंग इज उनका जो फाइनल कस्टमर है क्या वो उसको वैल्यू एड करके बाद में उनके प्रोडक्ट्स खरीद रहा है या नहीं। एंड वन मोर थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो जो इक्विपमेंट है या ये वो जो प्रोडक्ट है वो फाइनल कस्टमर के लिए कितना क्रिटिकल इक्विपमेंट है। सपोज वो जो प्रोडक्ट है वो फाइनल इंडस्ट्री के लिए या फाइनल कंज्यूमर के लिए या फाइनल उनके कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा नीच या क्रिटिकल इक्विपमेंट है, देन एंड देन ओनली उनका जो कस्टमर है फाइनल कस्टमर दे विल एबल टू पे द विद बेटर मार्जिन्स। तो यदि आप देखोगे तो मैंने BW इंजीनियरिंग का एक वीडियो क्रिएट किया था, इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी, 100 करोड़ का ही रेवेन्यूज आज वो पोस्ट करते हैं, बट उनके यदि आप मार्जिन देखोगे डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस तो उनके लगभग 12-13% के मार्जिन से उनके क्रेडिटर्स बहुत ज़्यादा है। एंड एज आई सेड इन दैट वीडियो कि क्रेडिटर्स डिपेंडेंसी जो है वो आगे जाके यहाँ पे रिड्यूस होगा बिकॉज दे हैव रीच द फंड्स रिसेंटली, वर्किंग कैपिटल जैसे जैसे थोड़ा बेटर होगा। बट इफ यू एक्चुअली कैन चेक कि उनके फाइनल प्रोडक्ट में क्या मार्जिन है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये इंडस्ट्री में एटलीस्ट 17-18% या अप टू 20% के मार्जिन हो सकते हैं, जब भी क्रेडिटर का पूरा जो आप देखोगे तो रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इन्वेंटरी प्रॉपरली रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्री में मार्जिन्स है बिकॉज उनके जो इक्विपमेंट्स है VW के, अगेन आई एम टेकिंग द नेम ऑफ द VW बिकॉज ये सारे जो इंडस्ट्रीज है वो मैन्युफैक्चरिंग में है। तो जब भी आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का स्टडी करोगे तो ये जो पॉइंटर्स है 3-4 पॉइंटर्स मैं आपको दे रहा हूँ दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमिंग बैक टू द BW, उनके जो प्रोडक्ट्स है दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल प्रोडक्ट्स एंड जो कस्टमर्स है फार्मास्यूटिकल या केमिकल इंडस्ट्री के जैसे कि सन फार्मा है, लुपिन है या इवन दीपक नाइट्राइट है या बाकी जो प्लेयर्स है लार्ज प्लेयर्स लाइक SRF हो गया या आरती इंडस्ट्री हो गया, तो वो उनके इक्विपमेंट्स में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, डायरेक्टली दे आर यूजिंग देयर इक्विपमेंट्स एंड इसीलिए ही आप देखोगे तो उनके जो मार्जिन है वो थोड़े बेटर है कंपेयर टू ये जो कंपनीज है लाइक मेडन फोर्जिंग या गुड लक या इवन आप देखो तो भारत फोर्ज जैसी कंपनी। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको अंडरस्टैंड करना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यदि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आपका कुछ रिसर्च कर रहे हो। तो ऐसे ही अलग अलग वीडियोज हम क्रिएट करते रहते हैं, एवरी सैटरडे को मैं 11 o'clock को ये जो वीडियो है वो पोस्ट करता हूँ और हमारा जो एक्सपर्टाइज है या जो नीश है हम स्मॉल एंड माइक्रो साइज की कंपनीज का ही ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च करते हैं क्योंकि वहाँ पर ही जो वैल्यूएशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बेटर मिल जाते हैं कंपेयर टू जो लार्ज कैप से जो ऑलरेडी काफ़ी वेल डिस्कवर्ड है एंड एवरी एनालिस्ट एवरी इन्वेस्टर इज ट्रैकिंग Nifty 50 एंड Nifty 100 कंपनीज। तो इसलिए मैंने माइक्रो कैप क्लब की शुरुआत की है जहाँ पर मैं मेरा जो स्कटलबट का अंडरस्टैंडिंग है या मेरा जो एनालिसिस है वो मैं मेरे क्लब मेंबर्स के साथ शेयर करता हूँ। माइक्रो कैप क्लब कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, कोई रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है, कोई टिप्स बेस्ड सर्विस हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम सिर्फ रिसर्च पे फोकस करते हैं, एनालिसिस पे फोकस करते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हो गया या ऑन ग्राउंड स्कटलबट हो गया। तो ये जो सारा डेटा है दैट आई प्रोवाइड इन टू द माइक्रो कैप क्लब, हमने काफ़ी उसमें रिपोर्ट्स भी लिखे हैं, मोर देन 50 रिपोर्ट्स है। इसके अलावा हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को भी होस्ट करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे सो दैट एवरी क्लब मेंबर गेट्स अ मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग, डिटेल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, अबाउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस।
एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा एंड प्लस देयर ओन रिसर्च इंडिविजुअल मेंबर टेक्स द डिसीजन कि उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं. वी डोंट गाइड एनीवन कि इसमें आप इन्वेस्ट करो या इसमें आप इन्वेस्ट मत करो, कभी करो. दैट इज नॉट डन बाय द वैल्यूएटर. हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है फॉर द लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स जहां पर वो अलग अलग रिसोर्सेस यूज करके दे कैन टेक देयर ओन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. सिमिलरली विद गोइंग अहेड वी विल बी प्लानिंग वेरियस प्लान विद इट्स ऑल्सो. तो एज अ वैल्यू एडुकेटर हम तो करते ही, बट अलॉन्ग विद अस वी आर ऑल्सो टेकिंग द क्लब मेंबर्स सो दे ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड कि वॉट आर द ऑन गोइंग एक्टिविटीज ऑन द ग्राउंड विच कैन हेल्प देम टू टेक द बेटर डिसीजंस. तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर आप इसके जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो. और ये जो एक डिटेल वीडियो हमने क्रिएट किया था गुड लक इंडिया का या इवन मेडम फोर्जिंग का, तो ऐसे वीडियोज आपको पसंद आते होंगे तो जरूर आप इसे लाइक कर सकते हो, आपके सारे फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर सकते हो. और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. हर सैटरडे को 11 o'clock को मैं जो वीडियोज है वो पोस्ट करता हूँ मोस्टली ऑन स्मॉल एंड माइक्रो साइज कंपनीज. ये जो वीडियोज है वो मिस मत कीजिए. हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल साइज कंपनी. Thank you.